नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय हिंदी आइडियल में पाठ 6 पेज नंबर 31 में विद्यार्थी मित्रों भाग 1 में आपणे पेज नंबर 31 थी अभ्यास की शुरुआत करेली अने तमे पण आइडियल में सारा अक्षरे लखेलू हशे। पेज नंबर 31 त्यार पछी पेज नंबर 32 છે એ પણ આપણે ભાગ 1 માં તેનો અભ્યાસ કરેલો, તમે પણ સારા અક્ષરે લખેલું હશે। ત્યાર પછી પેજ નંબર 33 તેમાં પ્રશ્ન આપેલા છે એ પણ તેનો આપણે અભ્યાસ કરેલો। હવે આવે છે પેજ નંબર 34 પર, પ્રશ્ન નંબર 7 થી અભ્યાસ કરીશું। तो दरेक विद्यार्थी आइडियल में पेज नंबर 34 थी आपणे लखवानुं छे। तेमा प्रश्न नंबर 7 आपेलुं छे कि सूचना अनुसार लिखिए। तेमा पेलुं छे कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ कर लिखिए, तेना अर्थ आपणे अहीं लखवाना छे। गाथा, तो गाथानो अर्थ थाय कथा। प्रतीकनो अर्थ थाय चिन्ह। विक्रमनो अर्थ थाय वीरता। तत्पश्चातनो अर्थ थाय उसके बाद। भौतिकनो अर्थ थाय सांसारिक। अंतरिक्षनो अर्थ थाय आकाश। प्रयोगशालानो अर्थ थाय संशोधन स्थल। संशोधन स्थल। ઇન્ટરનેશનલનો અર્થ થાય આંતરરાષ્ટ્રીય। આંતરરાષ્ટ્રીય। મૃત્યુનો અર્થ થાય મરણ। ઊર્જાનો અર્થ થાય શક્તિ। યુવાનો અર્થ થાય યુવક। ઉત્કૃષ્ટનો અર્થ થાય શ્રેષ્ઠ। ઉત્કૃષ્ટનો અર્થ થાય શ્રેષ્ઠ। સ્મારકનો અર્થ થાય સ્મૃતિ ચિહ્ન। સ્મારકનો અર્થ થાય સ્મૃતિ ચિહ્ન। પુરસ્કારનો અર્થ થાય ઇનામ અને હવાઈનો અર્થ થાય કાલ્પનિક। ત્યાર પછી બીજું આપેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમે તેના અર્થ જોયા। હવે ત્યાર પછી છે કે નિમ્નલિખિત શબ્દો કા વાક્યમાં પ્રયોગ કીજે, જે શબ્દાર્થ આપેલા હતા તેના વાક્ય અહીં લખવાના છે। અહીં પેલું છે ઈરાદા, તો અહીં તમે કોઈ પણ વાક્ય લખી શકો પણ અંદર ઈરાદા શબ્દ આવવો જોઈએ। અહીં લખેલું છે કે ભારતીય લોક અંગ્રેજો કે ઈરાદે સમજ ગયે થે। ભારતીય લોક અંગ્રેજો કે ઈરાદે સમજ ગયે થે। ત્યાર પછી બીજું છે લિફાફા, ડાક્યા લિફાફા લેકર આયા હે। વાક્ય અહીં કોઈ પણ લખી શકો પણ લિફાફા શબ્દ આવવું જોઈ। અહીં આપેલું છે કે ડાક્યા લિફાફા લેકર આયા હે। ત્રીજો ઢેરો, તો બચ્ચે રેત કે ઢેરો મે ખેલ રહે હે। બચ્ચે રેત કે ઢેરો મે ખેલ રહે હે। ચોથું છે લેસ, તો ભારતીય સેના નવીન તકનીકો સે લેસ હે। ભારતીય સેના નવીન તકનીકો સે લેસ હે। અનુસંધાન, તો કે ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન સંસ્થાન નવી દિલ્હી મે હે। ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન સંસ્થાન નવી દિલ્હી મે હે। ઉપાધિ, ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ કો ભારત રત્ન ઉપાધિ સે સન્માનિત કિયા હે। ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ કો ભારત રત્ન ઉપાધિ સે સન્માનિત કિયા હે। અંતરિક્ષ, તો અંતરિક્ષ મે બહુત સારે તારે હે। ઉર્જા, નદીઓ પર બંધ બાંધકર વિદ્યુત ઉર્જા પ્રાપ્ત કી જાતી હે। નદીઓ પર બંધ બનાકર વિદ્યુત ઉર્જા પ્રાપ્ત કી જાતી હે। પુરસ્કાર, તો પ્રથમ આને પર પુરસ્કાર દિયા જાતા હે। સ્મારક, તો ભારત ઐતિહાસિક સ્મારકો કે લિયે પ્રસિદ્ધ હે। ભારત ઐતિહાસિક સ્મારકો કે લિયે પ્રસિદ્ધ હે। ત્યાર પછી છે કે માતૃભાષામાં અનુવાદ કીજીએ, ગુજરાતીમાં આપણે આ પેરેગ્રાફ આપેલો છે એનું લખવાનું છે ગુજરાતી।
वह केवल ऊंच कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, तेनु गुजराती थसे के तेओ फक्त ऊंच कोटिना वैज्ञानिक ज न हता, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे, तेनु गुजराती थसे, परंतु काम में व्यस्त रहेवा छता कला, शिक्षा तथा समाजने माटे पूरतो समय काढ़ी लेता हता। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई के तेमना प्रयासों ने ज लीधे अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र अने नेहरू विकास संस्थान की स्थापना थई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे के अहीं तेओ सामान्य मानसनी विज्ञान प्रत्येनी रुचि जागृत करवा माटे कार्य करता हता। त्यार पछी पेज नंबर 35 पर समानार्थी शब्द छे इरादा, तो इच्छा, लेस एटले तेनो अर्थ थसे युक्त, लेस नो अर्थ थसे युक्त, अनुसंधान यानी संशोधन, अनुसंधान समानार्थी संशोधन, उपाधि तो के खिताब, खिताब बुलंद नू समानार्थी शब्द छे ऊंचा, अंतरिक्ष नो समानार्थी शब्द छे आकाश, अचंभित नो समानार्थी शब्द छे विस्मित, उपकरण नो समानार्थी शब्द छे साधन। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 10, सर्वनाम लखवाना छे के पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, तो सर्वनाम क्यूँ छे कोई, पता नहीं यह थैला किसका है, तो अँ सर्वनाम क्यूँ थू किसका, यह शिवाजी का किला है, तो अँ सर्वनाम क्यूँ छे यह, वह मोहन का मित्र है, तो अँ सर्वनाम क्यूँ छे वह, लड़की कुछ खाना चाहती है, तो कुछ छे शू छे सर्वनाम, ये विदेश से आए हुए पक्षी है, तो आमाथी सर्वनाम क्यों छे ये, यह मेरी पेन है, तो सातमा मां सर्वनाम क्यों छे यह, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो अहीं जवाब शू आवशे कौन, यह मिठाई किसी को दे दो, तो अहीं जवाब शू आवशे सर्वनाम यह, वह मेरा भाई है, तो अहीं जवाब आवशे वह, ए सर्वनाम छे। त्यार पछी छे उचित जोड़ मिलाइए, अहीं साल आपेली छे अने सामे कया संशोधन थया शू आपेलू छे एनो जवाब छे, तो अहीं पेलू छे सन 1962, तेनो जवाब आवशे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। बीजू छे सन 1937, तो अहीं जवाब आवशे इंग्लैंड गए। त्रीजू छे 1966, तो जवाब आवशे पद्मभूषण। चौथू छे 1961, तो अहीं जवाब आवशे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने। सन 1972, तो तेनो जवाब आवशे मरणोत्तर पद्म विभूषण। त्यार पछी प्रश्न नंबर 12 छे किन्ही तीन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताइए और किसी एक के बारे में लिखिए, तो अँ जवाब आपेलो छे सर सीवी रमन, होमी भाभा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तीन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम विषे अँ आपेलू छे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के एक मिसाइल मैन थे, वो जनसाधारण में जनता के राष्ट्रपति के रूप में मशहूर हुए। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वो एक महान वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कलाम का जन्म जैनुलाब्दीन और आशिया अम्मा के घर 15 अक्टूबर 1931 को एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। उन्होंने 1954 में
तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन और 1960 में चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार में एक वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में साथ ही साथ इसरो और डीआरडीओ में अपने योगदान के लिए 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने कई किताबें लिखी जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड्स, टारगेट्स 3 बिलियन इन 2011, इंडिया 2020 माय जर्नी आदि। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतो डॉक्टर कलाम विषेनो परिचय। तो अहीं हवे आपणे आ पाठ छे पाठ छ ए पूरो करीए छीए। तमारे व्यवस्थित सारा अक्षरे आइडियलमां लखवानुं छे। तो अहीं आपणे आ पाठ पूरो करीए छीए। अस्तु, जय हिंद, वंदे मातरम।